सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके सूबे के लोग मर रहे हैं प्यासे। आपका नल जल योजना भी नहीं बुझा पा रही है इनकी प्यास। तो पेश है बी न्यूज 24 के लिए वैशाली बिहार से ब्यूरो संवाददाता नागमणि की रिपोर्ट। बिहार के वैशाली जिले में दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आने वाले दिनों में यह हालात तकरीबन पूरे बिहार का होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह स्थिति क्यों पैदा हो रही है? इसका मुख्य कारण है नीतीश कुमार के 7 निश्चयों में से एक निश्चय जल नल योजना। जी हाँ, आपने सही सुना। इसके तहत जगह जगह लगाए जा रहे समरसिबल पंप, जिसके वजह से तेजी से भूमिगत जल स्तर का कम होना है। और वैशाली जिले का एक गांव जहां ऐसा है जहां भूमिगत जल स्तर कम हो गया है और इन दिनों 2 बूंद पानी के लिए इस गांव में त्राही त्राही मची हुई है। ये गांव है लालगंज प्रखंड के गुरमिया पंचायत के वार्ड नंबर 14। इस वार्ड में तकरीबन 700 लोगों की आबादी है और मात्र 10 पुराने चापाकल है, जिसमें से एक ही चापाकल ऐसा है जो चलता है, वो भी न के बराबर पानी गिरता है। गांव की महिलाएं घंटों लंबी लाइन में लगकर पानी भरती है, जिसके कारण बच्चे बिना खाए बिना नहाए स्कूल चले जाते हैं। लोगों को हफ्ते हो जाते हैं नहाए हुए। इस वार्ड के लोग तालाब का गंदा पानी पीने को मजबूर है और नरकीय जीवन जी रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार पानी के समस्याओं को लेकर अपने जनप्रतिनिधि और मुखियाओं से गुहार लगा चुके हैं, पर इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ इनके जनप्रतिनिधियों को इनका वोट चाहिए, इनकी समस्या नहीं। रोज रोज के पानी की किल्लत के समस्या को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीण में बच्चे बूढ़े और औरतों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत सचिव मुखिया गुंजा कुमारी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि जब मुखिया गुंजा कुमारी के पास जाते हैं अपनी समस्या को लेकर तो भगा देती है, और उधर हमारे बच्चों को भी स्कूल से मास्टर ये कहकर भगा देता है कि शरीर से दुर्गंध आ रहा है। इनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से थोड़ा पानी मिलता है, इसमें हम खाना बनाएं पिए या स्नान करें। आपको बताते चले, ये भयानक स्थिति आने वाले दिनों में पूरे बिहार में देखने को मिल सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण बिहार का दरभंगा शहर है। दरभंगा जैसे शहरों में जहां सैकड़ों की संख्या में तालाबें थी, आज उसमें पानी नहीं है। इस जिले से गुजरने वाली अधिक नदियों की धाराएं सूख चुकी है, बहुत सारी नदियां तो विलुप्त होती जा रही है। शहर का भूमिगत जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है, सैकड़ों की संख्या में हैंडपंप सूख गए हैं। जहां भी ऐसे समरसिबल पंप लगे हैं वहां साल दो साल में भूमिगत जल स्तर नीचे गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर पानी बचाने को नहीं सोचेंगे तो आज तो आप जमीन से खींचकर लोगों का प्यास तो बुझा देंगे, और यह योजना आज और कल का समाधान साबित तो हो सकता है, लेकिन परसों या आने वाले दिनों में सूखा आना ही आना है। तब यही आपके सूबे के लोग इस जल नल योजना का नाम बदल कर नीतीश सूखा योजना रख देंगे। तो सुने ग्रामीणों का क्या समस्या है। क्या नाम हुआ आपका, की समस्या है? पंचायत के नाम है गुंजा देवी। पानी के लिए बहुत समस्या है, पानी मिलता नहीं तो हम सब टुकड़ा के बच्चा के नहाते हैं, जाते हैं स्कूल पढ़ने ना सर मार के बच्चा के बिलगा देते हैं। हम सब के बहुत पानी के दिक्कत है। तो पानी कैसे पी रहे हैं अभी आप? पोखरा से पी रहे हैं। पोखरा के पानी पी रहे हैं, तो उसे पोखर के पानी पीने से तो बीमारी फैल जाएगा, आप लोग बीमार स्वस्थ कल से पीते हैं, एक बाल्टी में तनी तनी पीते हैं, रखते हैं, बच्चा सब बीमार पड़ता है। वही की समस्या है अपने के? समस्या है जो सरकार कोई काम लगी मुखिया के भी जान तो घर में बंद हो जाए। के मुखिया भेल वे गुंजा कुमारी। पंचायत कौन हो गए? गुरमिया। कई नंबर वार्ड की बात? 14 नंबर। की समस्या अपने के? समस्या है जो कोई काम आई तो घर में मुका जाए ना, दूरा पर से बेला दी ये नहीं हमको मुका नहीं है, नहीं जा सकते हैं। पानी में सर मर रही है, पानी में मर रही है। पानी का समस्या लेके गेली है मुखिया के अपने? मुखिया के भी गली तो मुखिया के हम नहीं जाएंगे ना, कुछ कर सकते हैं नहीं, कुछ कर सकते हैं। जाइए। की नाम है अपन? कृष्णा राय। घर हाँ, क्या समस्या है आपकी? समस्या सर यहाँ पानी का बहुत कठिनाई है, बहुत समस्या है। कौन सा पंचायत हो गया? गुरमिया पंचायत। कितना नंबर वार्ड? वार्ड संख्या 14।
क्या समस्या है? समस्या पानी का है सर। मेरी माँ वार्ड सदस्य श्रीमती शांति देवी, वार्ड नंबर 14 ग्राम पंचायत कुर्मिया, मेरा नाम अर्जुन राय हो गया, जो कि जो है वार्ड साहब के खाता में 7 लाख रुपया जो है आया। कितना दिन पहले आया? लमसम सर हो गया 1.5 महीना जैसा, जो कि 1.5 महीना के अंदर में हमने जो है उसमें पैसा निकासी करके और उसके बाद बोरिंग करा लिया। फिर जो है पाइप भी जो है MDP पाइप आता है वो सब जो है गिरवा लिया, मटेरियल गिरवा के उसके बाद जो है नाली का काम चल रहा था। उस समय जो है मुखिया पति संतोष रजक द्वारा फोन पर आया, बोला क्या कि हाँ जो है आपको काम नहीं कराना है, इसमें जो ऊपर से आदेश है BDO साहब को। BDO साहब से हमने पूछे कि सर ऐसा बात है, तो वो भी बोले कि नहीं जो है PHD में आपका वार्ड जो है चला गया है, जिस कारण नहीं है। हम जो है ऊपर से आदेश जैसा आएगा उसके बाद हम अवगत कराएंगे। आज बोले कि 1 सप्ताह में हो जाएगा, आज हम सब 1.5 महीना से पूछते हैं तो बोलते हैं डांट के जैसे बोलते हैं कि नहीं बोलू जैसे काम अभी ऊपर से आदेश आएगा तब, इतना क्यों छटपटा रहे हैं? यहाँ पानी का बहुत समस्या है, बच्चे लोग जो है तकलीफ करते हैं, पोखरा में जाते हैं नहाने के लिए, कई बार जो है पोखरा में 2 बच्चा डूब गए थे, जिस कारण कैसे कैसे निकाला गया, उसके बाद कितना बच्चा वहाँ से नहाने नहाते हैं। की समस्या है अपने के? समस्या तो बहुत दिक्कत है कि पानी बार मर रही है। हमको नाम है शैली देवी, बाल बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में तो मास्टर मार के बिलगाता है, पोखरी के पानी महकता है, पोखरी से बाल बच्चा के निहार रहा है। तो 7 निश्चय नल जल योजना के तहत हर वार्ड में नल जल के द्वारा पानी देना था, क्या आपके यहाँ नल जल के काम नहीं हुआ क्या? ना काम वेला बंद है, पानी ना मिला ही था। को मुखिया हुए यहाँ का? यहाँ के मुखिया कुंजा कुमारी। कौन सा पंचायत हुआ? गुरमिया। वार्ड नंबर कितना हुआ आपका? 14। तो आप लोग कैसे पानी पीते हैं, कैसे स्नान करते हैं? पोखरी से लाते हैं तब पीते हैं, महकता है पानी, निहला तो हमारा 3 दिन हो गया कपड़ा। की समस्या है अपने के? समस्या तो है कि यहाँ गुरमिया पंचायत में लोग बोल रहा है कि गरीबी नहीं है, सारा पंचायत में गरीबी है, गुरमिया पंचायत में सारा लोग मातवर है, तो कुछ नहीं लाभ मिला है हम लोग के। कैसे में क्या लाभ नहीं मिला है? कुछ नहीं, गरीब के लिए पानी पिए के साधन नहीं है, बच्चा के लिए साधन नहीं है, हमको सके घर के रहने के लिए साधन नहीं है। अभी तो 7 निश्चय नल योजना के तरह हर वार्ड में नल का है, पानी के लिए तो हमसे कल कट रहे हैं। तो क्या आपके यहाँ नल जल योजना का काम नहीं हुआ? कुछ नहीं। तो फिर आप लोग कैसे पानी पीते हैं? कैसे पानी पीते हैं, कहीं से पीते हैं? कोई के कन से जाके तनका ले आते हैं तो पीते हैं, माल जाल सब हम लोग के मर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? पार्वती देवी नाम।